हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन आवर टूडेज वीडियो वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ चैप्टर टू ऑफ फोर्थ क्लास दैट इज टॉम सावर लेट स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग दिस स्टोरी इज अबाउट ए यंग बॉय जो एक कहानी है वो एक यंग एक छोटे से लड़के की है टॉम सावर जिसका नाम है हु इज़ फूल ऑफ प्रेंक वो बहुत शरारती था कोई ना कोई वो शरारत करता रहता था ही लिव्स विद हिज आंट पोली वो अपनी आंटी पोली के साथ रहता था हु वॉन्ट्स टॉम टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और वो टॉम को एक जिम्मेवार आदमी बनाना चाहती थी इसमें जो करेक्टर हैं कौन कौन है टॉम जो टॉम है ए ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड बॉय एक बारह साल का लड़का है आंट पोली वो टॉम की चाची है बैन बिल्ली एंड जोनी ये टॉम्स के फ्रेंड्स हैं इट इज सैटरडे मॉर्निंग ये शनिवार की सुबह थी टॉम इज ए लेजी मूड और टॉम बहुत आलसी लग रहा था मीन्स उसका जो मूड था उस समय वो अच्छा नहीं था वो आलसी मूड में था ही वॉन्ट्स टू रिलैक्स वो रिलैक्स होना चाहता था मीन्स वो आराम करना चाहता था ही कम्स आउटसाइड इन द गार्डन और आराम करने के लिए वो बगीचे में आ जाता है बाहर आ जाता है टोम वट ए लवली डे टोम कितना एक प्यारा दिन है आज द स्काई इज़ सो ब्लू आसमान बिल्कुल नीला है एंड ग्रास इज़ सो ग्रीन और घास भी बिल्कुल हरी भरी है आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आई विल लाई हेयर फॉर टाइम मैं यहाँ कुछ समय तक लेट जाऊँ आई डोंट हैव टू हरी टू स्कूल फॉर आज मुझे स्कूल जाने की जल्दबाजी नहीं है जल्दी नहीं क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन ऑफ था आंट उसी दौरान उसकी आंट आंटी आती है टोम टोम वेर आ रही आवाज लगाती है कि आप कहाँ हो आई हैव वर्क फॉर यू मेरे पास आपके लिए कुछ काम हैं टोम ओ नो आई विल हैव टू वर्क नो मैं काम नहीं करूँगा इफ आई जस्ट लाई हेयर क्वाइटली मैं केवल यहाँ पर चुपचाप लेटा रहूंगा पर हैव शायद आंट पोली विल फॉर गेट अबाउट मी और मेरे बारे में शायद वो भूल जाए देन आई कैन स्लीप ऑल मॉर्निंग फिर मैं पूरी सुबह यहाँ पर सो सकता हूँ आंट विद हर हैंड्स ऑन हर वेस्ट अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए आती है सो देर यू आर आप यहाँ पे हो ले जी एज यूजल आप आल, आलसी हो गेट अप खड़े हो हैव सम वर्क फॉर यू और आपको कुछ काम करना है टोम ओ डिड यू कॉल मी अच्छा क्या आपने मुझे बुलाया आंट पोली वट इज़ यू वॉन्ट टू मी टू डू आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो आंड आई वॉन्ट यू टू पेंट द फैंस मैं चाहती हूँ कि जो चार दीवार है फैंस मीन्स जो चार दीवार है उसको आप पेंट कीजिए हेयर इज़ ए पोर्ट ऑफ वाइट पेंट ये है स्पेन पेंट का एक बर्तन एंड ए ब्रुश ये ब्रुश लीजिए यू हैव द होल होल्डे आपके पास पूरा दिन है सो मेक श्योर यू पेंट इट वेल ये ध्यान रखना कि जो आपको जो पेंट करना बहुत अच्छा करना है ट पोली गोज इंडो और उसके बाद आंट पोली अंदर चली जाती है टोम साइंग अब थोड़ी सी शुभ की बढ़ते हुए आई विल ने फिनिश इट मैं इसको कभी समाप्त नहीं कर पाऊंगा वट ए वेस्ट ऑफ हॉलीडेज आज छुट्टी कितनी बर्बाद गई टोम गेट्स अब खड़ा होता है एंड गोज आउट विद द पेंट और अपना पेंट लेके बाहर जाता है एंड ब्रूश और उस ब्रुश को ही डिप्स द ब्रूस इन टू द पेंट अब पेंट में उस ब्रुश को डुबोता है एंड स्टार्ट टू पेंट द फैंस और उस बाड़े को साफ करना शुरू कर देता देन ही हैज ए क्लेवर आइडिया फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है क्या आई नो मैं जानता हुआ टू तो डू क्या करना है मुझे कैसे छुटकारा पाना आई विल गेट ऑल द ऑल द बॉयज टू हेल्प मी कि मेरे जो फ्रेंड हैं उनसे कैसे मदद लेनी है मैं उससे मदद लूँगा एंड देन तब आई कैन गो बैक टू स्लिप वो मेरा काम करेंगे और फिर मैं वापस जाके सो जाऊँगा सुन बैन वोक्सअप अब बैन आता है टॉम के पास एंड लाफ्स एट हिम और उसको देख के हंसता है टॉम कंटिन्यूज पेंटिंग एंड विस्लिंग्स मियरली अब टॉम्स लगातार पेंटिंग करता है और खुशी पूर्वक सीटी बजाता है बैन कहता है टॉम वुड यू नॉट लाइक टू कम एंड प्ले क्या आप नहीं आओगे और नहीं खेलोगे आज वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑन ए हॉलीडे छुट्टी वाले दिन आप काम क्यों करते हो टॉम कहता है वर्क काम दिस इज नॉट वर्क ये काम नहीं है दिस इज ए गेम एक गेम है एक खेल है रिक्वायरिंग ए वेरी स्पेशल स्किल और इसके अंदर तो एक बहुत ही स्किल की ज़रूरत है एक अच्छे गुण की ज़रूरत है ओनली ए फ्यू पीपल कैन डू इट वेल केवल कुछ ही लोग इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं आंट पोली जानती है कि दैट आई कैन डू इट बेस्ट कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तभी मेरी आंटी ने मुझे काम सौंपा है Ben रियली रियली टोम लेट मी आल्सो ट्राई प्लीज मुझे भी ये काम कर लेने दीजिए टोम नो वे नहीं नहीं आई can't लेट यू इवन टच इट मैं आपको इसको छूने भी नहीं दे सकता हूँ हाउ कैन आई कैसे यू नीड ए स्पेशल स्किल इसके लिए आपको एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत है यू विल ओनली स्पॉइल इट आप तो इसको खराब कर दोगे बर्बाद कर दोगे एंड आंट पोली विल बी एंग्री और आंट पोली है वो बहुत क्रोधित होगी मुझसे सॉरी बैन कहता है प्लेडिंग विथ टॉम टॉम से याचना करते हुए प्रार्थना करता है कम ऑन टॉम प्लीज़ लेट मी ट्राई मुझे करने दीजिए लुक देखो आई विल गिव यू दिस एप्पल मेरे पास इस एप्पल है ये सेब है मैं आपको दूंगा खाने के लिए प्यू लेट मी पेंट यदि आप मुझे पेंट करने दोगे तो मैं आपको खाने के लिए दूंगा टेक्स द एप्पल्स और एप्पल्स को ले लेता है टॉम आई स्पोज यू कुड ट्राई ठीक है आप ट्राई कर सकते हो हेयर टेक द ब्रूस ये ब्रूस लीजिए नाउ माइंड यू डू इट केयरफुली ध्यान रखना बड़े सावधानीपूर्वक एक काम करना है टॉम इन्जॉय मंचिंग द एप्पल्स अब उस एप्पल्स को चबा मंचिंग मीन चबाने का आनंद लेता है एंड सिट्स ऑन द ग्रास और घास पर बैठ जाता है वाइल्ड बैन वर्क्स और बैन काम करता है सुन बिल्ली कम सलोंग उसके बाद उसका जो फ्रेंड बिल्ली है वो वहाँ पर पहुँच जाता है अब बिल्ली कहता है वा, वा, वाई आर यू वर्किंग ऑन हॉलीडे बैन छुट्टी वाले दिन आप काम क्यों कर रहे हो बैन कहता प्राउडली थोड़ा गर्व महसूस करते आई एम नॉट वर्किंग मैं काम नहीं कर रहा हूँ दिस इज ए टेस्ट ऑफ स्किल ये तो एक स्किल है बिल्ली ओ कोर्स नोट इट इज ईजी ये तो बिल्कुल आसान है बैन कहता ओ नॉट एवरीबॉडी कान टू इतना आसान नहीं है हर कोई इसको नहीं कर सकता है बट टॉम थिंक सोचता है दैट आई कैन डू इट वेल लेकिन टॉम तो ये सोचता मैं इसको अच्छे ढंग से कर सकता हूँ बिल्ली प्लीज टॉम वुड यू लेट मी ट्राई वो भी रिक्वेस्ट करता मुझे करने दीजिए डू गिव मी ए चांस मुझे भी एक चांस दीजिए टॉम प्लान इज़ वर्किंग वेल टॉम का जो प्लान थी जो उसने योजना बनाई थी वो काम कर रही थी अब वो कहता टॉम थॉटफुली अब थोड़ा सा विचार करते हुए ट्रस्ट मी अब मुझ पर विश्वास किया था टू पेंट द फैंस वेल कि मैं इस चार डारी पर अच्छा पेंट करूंगा बैन हैज़ डन इट क्वाइल बैन ने अच्छा किया है आई एम नॉट श्योर अबाउट यू लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि आप अच्छा कर पाओगे या नहीं बिल आई विल गिव यू दिज मार्बल स्टोन मेरे पास ये मार्बल्स हैं ये कंचे हैं मैं आपको दे सकता हूँ यदि आप मुझे पेंट दोगे करने के लिए परमिशन दोगे टोम ओल एटरी का बैन गिव बिली द ब्रूस अब बिल्ली कोई ब्रश दे दीजिए लेटर कुछ समय के बाद जोनी कम्स एलोंग जोनी आता है टॉम इज प्लेइंग विद द मार्बल्स और टोम उस समय उन कंचों के साथ मार्बल के साथ खेल रहा था वाइल बिल्ली पेंट्स और जब बिल्ली पेंट कर रहा था जोनी वाई आर यू वर्किंग ऑन हॉलीडे बिल्ली जोनी आता पूछता बिल्ली आप छुट्टी वाले दिन काम क्यों कर रहे हो बिल्ली कहता दिस इज़ नॉट वर्क एक काम नहीं है इट इज़ ए टेस्ट ऑफ स्किल स्किल है इफ़ यू थिंक आप सोचते हो दैट यू कैन डू इट वेल आप इसे अच्छे ढंग से कर सकते हो दैन टोम विल लेट यू पेंट फिर टॉम आपको परमिशन देगा पेंट करने के लिए जॉनी टॉम्स प्लीज लेट मी पेंट हूँ वो कहता जॉनी प्लीज टॉम से रिक्वेस्ट करता मुझे भी पेंट कर लेने दीजिए आई विल डू इट वेल मैं इसको अच्छा करूँगा यू विल सी देखना हेयर यू कैन टेक माई न्यू बॉल मेरे पास एक नई बॉल है आप इसको रख लीजिए मुझे काम कर लेने दीजिए टॉम वेरी सेटिस्फाई संतुष्ट होकर बिल्ली ठीक है यू कैन गिव द ब्रुष्ट टू जोनी अब वो कहता है बिल्ली आप अपनी ये है ना ब्रश जोनी को दे दीजिए लेट हिम पेंट द फैंस वे नाउ अब उसको अच्छे ढंग से उसको कर लेने दीजिए सुन द फैंस इज पेंटेड वाइट अब जल्दी से ही उस पेंट को वाइट को पेंट कर दिया जाता वाइट पेंट हो जाती है उस चार दीवारी पर टॉम कोल्स आंट पोली को बुलाता है हु इज इनसाइड द हाउस जो घर के अंदर है सीमिडियटली कम्स आउट वो एकदम बाहर आती है आंट वट इज़ द मैटर टॉम क्या बात है मैटर टॉम प्राउडली गर्व कैद करते हुए लुक एट द फैंस इस दीवार को देखिए इस चार दीवारी को देखिए आंट वेल डन शाबाश माई डियर सो यू हैव लर्न टू वर्क हार्ड इसलिए शायद इसलिए आपने मेहनत करनी सीख ली है आई एम हैप्पी मैं खुश यू टूडे वेट इंतज़ार कीजिए आई हैव समथिंग टू गिव यू मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है आंट पोली गोज इन साइड अंदर जाती है एंड रिट्रंस विद सम फ्रेशी बेकड कुकीज़ अभी अभी उसने कुछ कूकीज़ बनाई हुई थी वो तरोताजा थी उनको लेके आती है टॉम इज़ हैप्पी और टॉम बहुत खुश होता है टू गेट्स कुकीज़ उन कूकीज़ को पाकर एंड गोज आउट टू प्ले और खेलने के लिए चला जाता है रेस्टूडेंट शॉपिंग दैट यू गोट दिस चैप्टर इन ए बेटर वे इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम हैव ए नाइस डे थैंक यू वेरी मच